नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और मालदीव में भड़के तनाव के बीच चीन ने आग में घी डालने का काम किया है। चीन ने भारत का नाम नहीं लेते हुए कहा है कि अगर किसी देश ने मालदीव के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वो इसका विरोध करेगा। चीन के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने चीन और मालदीव के बीच जारी संयुक्त बयान के हवाले से कहा कि चीन मालदीव के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का कड़ाई से विरोध करेगा, साथ ही हमेशा मालदीव के लिए खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार चीन ने कहा कि वो पुरजोर तरीके से मालदीव के राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा को बरकरार रखने के प्रयासों का समर्थन करेगा। हालांकि इस संयुक्त बयान में भारत का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और मालदीव के बीच संबंधों में कड़वाहट आई हुई है। मालदीव के साथ विवाद शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। लोगों से लक्षद्वीप जाने की अपील की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में लक्षद्वीप में टूरिज्म में काफ़ी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन कनेक्टिविटी की समस्या अब भी बनी हुई है। बता दें, मालदीव के लिए देश के कई शहरों से हर हफ्ते 60 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, लेकिन लक्षद्वीप के लिए रोजाना केवल एक ही फ्लाइट है। लक्षद्वीप में केवल एक एयरलाइन कंपनी एलायंस एयर फ्लाइट की संचालन करती है और इस फ्लाइट की मार्च तक की सभी टिकट बुक हो गई हैं। हालांकि मांग बढ़ने के बाद अब कंपनी लक्षद्वीप के लिए फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। खुदरा महंगाई दिसंबर में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.7% पर पहुंच गई है। ये नवंबर में 5.55% थी। शुक्रवार को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई है। जारी किए गए डेटा में बताया गया है कि दिसंबर में खाद्य महंगाई 9.53% रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों की शनिवार को एक अहम बैठक होगी। जूम पर होने वाली इस बैठक में संयोजक के नाम पर और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की इस ऑनलाइन बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर दल सहमत हैं, लेकिन इसको लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू हो गई है। दूसरे राउंड की बातचीत शुक्रवार को दिल्ली में होनी थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं की व्यस्तता की वजह से बैठक रद्द कर दी गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि हम आपसी समझदारी से समझौता कर लेंगे, हमारा लक्ष्य एक ही है, बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना। कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर अपने लिए सीटें मांग रही है, जबकि समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव तो 15 सीटों में ही कांग्रेस और आरएलडी को निपटा लेना चाहते हैं। अंदर खाने से खबर है कि यूपी में भी दूसरे राज्यों की तरह सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति साफ नहीं है। यहाँ भी कांग्रेस ज़्यादा सीटें चाहती है, लेकिन सपा उतनी देने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर जिस तरह से कांग्रेस बसपा को साथ लेने की बात कह रही है, उसने भी सपा को असहज करने का काम कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई राज्यों के पार्टी के लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स की बैठक की अध्यक्षता की और उनसे लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाने का आग्रह किया। खड़गे ने इससे पहले गुरुवार को अन्य राज्यों के लोकसभा कोऑर्डिनेटर के साथ बैठक की थी, चर्चा की थी। बता दें, पार्टी ने चुनाव से पहले देश भर में किए जा रहे प्रयासों को कोऑर्डिनेट करने के लिए सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त कर दिए हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन बाकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वो उद्घाटन तक हर दिन एक विशेष अनुष्ठान करेंगे। ये मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस शुभ अवसर का साक्षी बनूंगा। उन्होंने कहा, प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। उन्होंने कहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो 11 दिनों का एक विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर शंकराचार्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने पीएम मोदी की आलोचना भी की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि राम मंदिर उद्घाटन में शास्त्रीय विधा का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सनातन धर्म के नियमों के उल्लंघन की बात कही है। इसके साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, इसलिए उनसे टकराने की गलती ना की जाए। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शंकराचार्य ने कहा कि व्यासपीठ के साथ जो टकराता है चारों खाने चूर चूर हो जाता है।
स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, मैंने पहले कहा कि हिमालय पर जो प्रहार करता है उसकी मुट्ठी टूट जाती है, हम लोगों से टकराना उचित नहीं है। अरबों एटम बम को दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। हम चुनाव की प्रक्रिया से इस पद पर नहीं प्रतिष्ठित हैं, जिनकी गद्दी है उनके द्वारा प्रेरित होकर हम प्रतिष्ठित हैं, इसलिए कोई हमारा बाल भी माका नहीं कर सकता है। शंकराचार्य ने आगे कहा, अगर कोई इस गद्दी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो कितना भी बलवान हो सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जनता को मैं भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता करती है। लोकमत हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, तो हमने संकेत किया कि सब तरह से हम बलवान हैं, दुर्बल हमें कोई समझे ना। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से मेरे परिचित हैं, पीएम पद की शपथ लेने से पहले भी वो मेरे पास आए थे, मुझसे कहा था कि ऐसा आशीर्वाद दो कि कम से कम भूल कर सकूं, और अब वो इतनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, राम जी शास्त्रीय विधा से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए राम मंदिर उद्घाटन में मेरा जाना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आरती या पूजा में विधि का पालन न किया जाए तो देवी देवता का तेज द्रोहित हो जाता है, तो डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच उस प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उस ट्वीट को रीट्वीट कर सहमति जता दी है, जिसमें कहा गया है कि हर हिंदू खुश है और राम मंदिर का स्वागत करता है, लेकिन शंकराचार्य की अनदेखी करना अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर हर चीज़ का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है तो भगवान भी मदद नहीं कर सकते। इस ट्वीट को रीट्वीट कर स्वामी ने लिखा है, सहमत हूँ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत के प्रमुख शंकराचार्य उड़ीसा में गोवर्धन मठ के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। शंकराचार्यों ने दूर रहने का कारण धार्मिक ग्रंथों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा करना प्राचीन ग्रंथों द्वारा स्वीकृत नहीं है। बता दें, शंकराचार्य द्वारा आलोचना करना मोदी को भारी पड़ सकता है, वो अलग बात है। कुछ लोग शंकराचार्यों को भी पाठ पढ़ाने लगे हैं और सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी मुद्दे को उठा दिया है। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर सियासत जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि राम हम सबके आराध्य हैं, राम तो बुलाने वाले हैं, ये यानी बीजेपी के लोग राम को लाने वाले कहां से आ गए। कांग्रेस नेता ने कहा कि मानव जाति की उत्पत्ति एक ऊर्जा से हुई है और परमात्मा एक है, जब समंदर एक है तो बूंदें कैसे अलग हो सकती हैं। राम आस्था का विषय है, चर्चा का नहीं। राम हम सबके आराध्य हैं, राम के प्रति जितना सम्मान आपके मन में है उतना हमारे मन में है, हम राम के वंशज हैं। भगवान को कोई लाने वाला नहीं हो सकता है, भगवान सबको लाए हैं। कांग्रेस के फैसले का बचाव करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आस्था रखने वाले तो कभी भी अयोध्या जा सकते हैं, ये आस्था का विषय है। उनकी तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि वो किसी के भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी साफ कर दिया है कि बीजेपी द्वारा ही अलग अलग थ्योरियों को जन्म दिया जा रहा है, वो जानबूझकर इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। खड़गे के मुताबिक जो भी राम भक्त है वो कभी भी उनसे मिलने जा सकता है। बता दें, कांग्रेस ने 22 जनवरी को राम मंदिर ना जाने का फैसला किया है, अब उसी फैसले का बचाव करते हुए खड़गे ने ये बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि भाजपा द्वारा ध्यान भटकाने के नैरेटिव की वजह से कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में हमारे मुद्दे केवल ये हैं, मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या काम किया है, महंगाई के बारे में क्या कदम उठाए हैं, बॉर्डर पर चीनी घुसपैठ पर क्या बोला है। उन्होंने कहा कि आज गरीब तबाह हो गए हैं, हमें उनकी चिंता है, इसलिए हम उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, जो देश के लोगों के साथ विश्वासघात है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर गांधी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो युवाओं की ऊर्जा को समृद्ध देश का आधार मानते थे और पीड़ितों और गरीबों की सेवा को सबसे बड़ी तपस्या मानते थे। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को सोचना होगा कि हमारे सपनों के भारत की पहचान क्या होगी, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावनाएं, उत्तेजक नारे लगाने वाले युवा या नौकरी पेशा वाले युवा, प्यार या नफरत। कांग्रेस ने राम मंदिर को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है, किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर जाएगा, क्या ये एक राजनीतिक दल तय करेगा, क्या एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं। उन्होंने कहा कि ना इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है और ना इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एक विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। चारों पीठों के शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। ऐसे में अगर ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो ये कार्यक्रम राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिया बनकर बैठ जाएं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि एक पूरा संगठन मेरे धर्म का ठेकेदार बनकर बैठा है, इनकी पूरी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति और आस्था नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव नहीं किया गया है, बल्कि चुनाव को देखकर तारीख तय की गई है। किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकते। मंदिर निर्माण का कार्य विधिवत पूरा हो, लेकिन इसमें किसी प्रकार का राजनीतिक दखल कोई भी भक्त बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस ने कहा कि शंकराचार्य को नाराज करके आरएसएस के सरसंघचालक वहां जाकर बैठेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की प्राण प्रतिष्ठा उनकी देखरेख में करेंगे। ये कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, ये पूरी तरह राजनीतिक आयोजन है। दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। किसी भी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दायर नहीं किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्हें शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि उद्धव ठाकरे खेमे के विधायकों को भी अब एकनाथ शिंदे की ही बात माननी होगी। उन्हें विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ यानी ट्रेजरी बेंच में बैठना होगा, न कि विपक्षी दलों के साथ। उन्होंने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता वाले फैसले के एक दिन बाद ये बात कही है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बुधवार को विधायकों की अयोग्यता की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे द्वारा वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना के समूह नेता के पद से हटाने के फैसले को भी पलट दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बीते 10 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में अपना फैसला सुनाया था। अपने फैसले में उन्होंने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना था। उनके इस फैसले के समर्थन और विरोध में तरह तरह की टिप्पणियां सामने आ चुकी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के इस फैसले पर महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार और लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक आर्टिकल लिखकर इसकी आलोचना की है। उन्होंने अपने आर्टिकल में विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर की आलोचना करते हुए उनके फैसले को कानून की भावना के खिलाफ और गलत मिसाल कायम करने वाला बताया है। इंडियन एक्सप्रेस में 12 जनवरी को छपे अपने आर्टिकल में गिरीश कुबेर लिखते हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना विभाजन पर अपने फैसले से संविधान का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के निर्णय को कानूनी प्रक्रिया और नियमों की उपेक्षा के एक उदाहरण के तौर पर जाना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्षों तक शिवसेना और एनसीपी के साथ रहने के बाद नार्वेकर अब भाजपा के मेंबर हैं, ऐसे में वो कुछ अलग फैसला देंगे इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। 9 जनवरी से ही इस मामले की हो रही सुनवाई के क्रम में गुरुवार 11 जनवरी को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने, सलमान खुर्शीद ने और शादान फरासत ने दलीलें पेश करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बताया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकार यानी केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से पूछा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है, इससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि यह अल्पसंख्यक टैग के बिना भी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा एएमयू ब्रांड नेम है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज के युवाओं को 21वीं सदी की सबसे भाग्यशाली पीढ़ी करार दिया है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो वंशवाद की राजनीति के प्रभाव को कम करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के इस कालखंड में युवाओं को भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आप ऐसा काम करिए कि अगली शताब्दी में उस वक्त की पीढ़ी आपको याद करे। आप अपने नाम को भारत और पूरी दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको 21वीं सदी के भारत की सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी मानता हूँ। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम ने कहा,
आज का यह दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। यह दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिन्होंने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नासिक में हूँ। पश्चिम बंगाल के नगर निकायों में पैसे लेकर नौकरी देने के कथित घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को टीएमसी के कई नेताओं के घरों पर छापेमारी की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार राज्य सरकार के मंत्री सुजीत बोस के निवास पर ईडी की टीम ने छापे मारे हैं। टीएमसी के नेता तापस रॉय के घर पर भी छापेमारी हुई है। आरोप है कि 2014 से 2018 के बीच नगर निकायों के ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर पैसे लेकर नियुक्ति की गई है। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का शुक्रवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओडिशा में चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसे सुबह 10 बजे प्रक्षेपित किया गया। परीक्षण के कुछ पल ही बाद इस मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स और इसमें सहयोग करने वाले पीएसयू को बधाई दी है। उन्होंने कहा, इस आकाश मिसाइल की नई पीढ़ी के सफल विकास से देश की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। एक्टर पंकज त्रिपाठी ने चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक्टर ने अपनी रजामंदी से ये पद छोड़ा है। दरअसल चुनाव आयोग लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए सिनेमा के मशहूर सेलिब्रिटीज को नेशनल आइकन या ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट करता है। ऐसे में पंकज त्रिपाठी को अक्टूबर 2022 में नेशनल आइकन के रूप में चुना गया था। इलेक्शन कमीशन के ट्वीट को देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि मैं अटल हूँ की वजह से उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। इन दोनों एक्टर अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। फिल्म में एक्टर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार में नजर आने वाले हैं। उनकी फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री की बायोपिक है। आज शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इस तेजी के बाद सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड पर बंद हुए हैं। आईटी सेक्टर की कंपनियों द्वारा जारी तिमाही रिपोर्ट के बाद आज आईटी शेयर में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। इस तेजी के बाद बाजार अपने उच्चतम स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 847.27 अंक उछलकर रिकॉर्ड 72,568 पर बंद हुआ। निफ्टी 247 अंक चढ़कर 21,894 के नए स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले दिन के अंत में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 999.78 अंक उछलकर 72,720.96 के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया था। दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ मुकदमा किया है, जिसकी आज फिर से सुनवाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हुई। आज इसराइल ने अपना पक्ष रखा और मांग की कि वो दक्षिण अफ्रीका के लाए गए मुकदमे को खारिज कर दे। बता दें, इस मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल पर आरोप लगाया है कि वो गजा में फिलिस्तीनी लोगों का नरसंहार कर रहा है, जिस पर इजरायली विदेश मंत्रालय के सलाहकार त्याल बेकर ने आईसीजे से कहा है कि इस मामले में दक्षिण अफ्रीका ने एक बेहद विकृत तथ्यात्मक और कानूनी तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका की मांग का मतलब है कि इसराइल अपनी रक्षा ही नहीं कर सके। वहीं कल दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे से ये मांग की थी कि वो इसराइल को गजा में अपनी सैनिक कार्रवाई बंद करने और फिलिस्तीनी लोगों को सुरक्षा करने का निर्देश थे। बता दें, संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी अदालत में इसराइल के खिलाफ चल रहे इस मुकदमे की सुनवाई का आज दूसरा और आखिरी दिन है। अब देखना होगा कि अदालत क्या आदेश देती है। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे यहूदी विद्रोहियों के यमन स्थित ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन ने थोड़ी देर पहले हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने यमन में हूती विद्रोहियों से जुड़ी जगहों को निशाना बनाया है। बता दें, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा पिछले साल के अंत में लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाना शुरू करने के बाद से यह पहला हमला है। मालूम हो कि यमन के लाल सागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने विभिन्न वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया था। इनमें वो जहाज भी शामिल हैं जो भारत आ रहे थे और जिसमें भारतीय चालक दल के सदस्य रहे थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।